वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ योर सिविक्स क्लास, क्लास 8, चैप्टर 2। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। दिस मीन्स डैट इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजियस एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिस, द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शन फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्म निरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों को की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल ना देने के लिए राज्य कुछ धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। इन द अबव स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यू डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज दैट वियरिंग अ पगड़ी इज सेंट्रल टू अ सिख रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलाउ एन एक्सेप्शन इन द लॉ। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इन इज टू अस ए स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियन अपर कास्ट हिंदू डोमिनेट अदर मेंबर सम लो कास्ट विद इन इट। धर्म वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्म निरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इस अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग अपने ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्य कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution banned untouchability. In this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes, and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of this country. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance right are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal law of communities. धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म ने हस्तक्षेप कर रहा है जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं और इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानून में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। The intervention of the state can also be in the form of support. The Indian Constitution grants the right to religious community to set up their own schools and colleges. It also gives them financial aid on a non-preferential basis. राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संवैधानिक धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिक के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। इन व्हाट वे इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। भारतीय धर्म निरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्म निरपेक्षता से किस तरह अलग है। सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉ रेस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियन और डेट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजियन. वट इज मीन बाय द वर्ड एस्टेब्लिशमेंट इज डेट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन नॉर कैन दे गिव प्रिफरेंस टू वन रिलीजन. इन द USA द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नीदर द स्टेट नॉर religion can interfere in the affairs of one another. ऊपर दिए गए तीन उद्देश्य दुनिया के अन्य निरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्य से मिलते जुलते हैं. अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों. इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकते, ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथककरण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते. दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. If you have any doubt, please let us know. We will try to clear your doubts in another video. अगर आपको कोई संदेह है तो कृपया करके हमें बताइए. हम अगले वीडियो में आपके संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे.